हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ न्यू रिक्रूटमेंट। इस बार की जो रिक्रूटमेंट आया है विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर और ग्राम सेवक, जो कि आया है पंचायत विभाग के अंदर से, SSS बोर्ड पंजाब की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है, जहाँ पे ग्राम सेवक के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल फॉर्म दिया गया है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी बताऊँगा किस तरह से आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उससे पहले आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग यहाँ पे जो है सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो किस तरह से जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को क्या बता रहा है, किस तरह से क्या है, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए देख लेते आज की अपडेट। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। क्लियरली यहाँ पे बता दिया जा रहा है अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हो। यहाँ पे विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ग्राम सेवक के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अप्रॉक्स 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज है। यहाँ पे 10th और 12th पास करके यहाँ पे एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हो। टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पे देख सकते हो, जनरल के लिए 200 एंड समथिंग। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ एज क्राइटेरिया 18 से 27 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे SC OBC एवं ST कैंडिडेट के लिए अलग से एज रिलैक्शन आपको मिलेगा, जहाँ पे आप लोग एज रिलैक्शन जो है SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स की एज रिलैक्शन आपको मिलेगा। एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को और भी कुछ जानकारी यहाँ पे जो दिया गया है उसको आप लोगों को पता होना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 792 टोटल वैकेंसीज है और 15 मई 2022 से आप लोग जो है एप्लीकेशन शुरू होने वाला है। 11 जुलाई 2022 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। सैलरी आपको 19,000 से 63,000 तक पार्ट मंथ दिया जाएगा। ग्राम सेवक के ऊपर जो वैकेंसीज निकल के आया है, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए 282 वैकेंसीज है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 79, शेड्यूल कास्ट के लिए 79, शेड्यूल कास्ट के लिए 79, बैकवर्ड के लिए 92, एक्स सर्विसमैन 56, एक्स सर्विसमैन SC के लिए 16, एक्स सर्विसमैन SC RO के लिए 4। इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 792 वैकेंसीज निकल के आया है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। अनरिजर्व OBC के लिए 1000 रुपीज़, SC ST EWS के लिए 250, ESN 200, PH कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा करना होगा। चलिए दोस्तों देख लेते किस तरह से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म के पूरा फॉर्म, जहाँ पे फर्स्ट में आपका दिया गया है पोस्ट नेम, उसके बाद एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल कहाँ से है, पंजाब या अदर कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पे उसको भी देना होगा। जाट है कि ना आपको यहाँ पे देना होगा। नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ की तरफ से आप कौन सा दे सकते हो, पैन कार्ड है, इलेक्ट्रिक ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनी ID प्रूफ, इसके साथ साथ ID नंबर आपको देना होगा। उसके बाद क्रिमिनल केस है कि आपको यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास कोई क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल केस है तो देन आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिसमिस किया जाएगा गवर्नमेंट सर्विस की तरफ से, तो अगर आप डिसमिस कैंडिडेट कोई है तो वो भी लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अगर आपके पास है तो दे सकते हो। उसके बाद आपका नाम, आपका एड्रेस सब कुछ देख के सेव करने के बाद
आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ पेमेंट ऑप्शन दिया जाएगा, जिस पेमेंट ऑप्शन में आप लोगों को जो है सिलेक्ट आपका फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते, एक बहुत बड़ी मौका है, ग्राम सेवक के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। कोई भी कैंडिडेट अगर चाहते हो जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।